फिर से मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी शायद नेटवर्क में नहीं है और नेटवर्क हमारे पास भी नहीं है। एक बार नम्रता जी आ जाएं, फिर हम लोग शायद अब जुड़ जाएं। और थैंक यू सो मच। हाय, हेलो, कैसे हैं? हेलो, बढ़िया है नम्रता, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कैन कंग्रेचुलेशन फॉर द सॉन्ग। आपको भी ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामना कि आप पहली बार हमारे भोजपुरी के लिए काम किया और लोगों लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे कॉल फोन मुझे आए कि कहाँ से कहनूर उठा लाए आप, क्योंकि आपके डांस के और आपके एनर्जी के, आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। ओके, तो आपकी एनर्जी और हाँ आपकी एनर्जी की हर आदमी तारीफ कर रहा है कि क्या एनर्जी लेवल है उनका डांस का। हम कहने हाँ यार, मैं इंजॉय कर रहा था, मैं डांस नहीं कर रहा था, मैं उनको देख के इंजॉय कर रहा था। नहीं बिल्कुल, मतलब आप ये सोचो जब आपका को पार्टनर इतना सपोर्टिव है, जब खेसारी जी साथ में हो तो एनर्जी तो खुद ही आएगी। ओ गॉड, चलिए ये तो मेरा सौभाग्य है, आप उस लायक हमें समझती हैं, बट आप गुड गुड एक्टर, गुड डांसर। रिस्पेक्ट है इतने लोगों के, आप सुपर हीरो, आपको सब इतना भाई मानते हैं, बेटा मानते हैं। सच में मुझे खुद अच्छा लग रहा है आपके साथ सॉन्ग करके। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी है, साउथ है, जो भी मैं गाने करती हूँ मैं बहुत दिल से करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे पूरे बिहार से, पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू खेसारी जी, सारेगामा पा, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने टैलेंट को आप तक पहुँचाऊँ। मैं नहीं, अभी ये तो शुरुआत है, हम लोग बहुत आगे काम करने वाले हैं, क्योंकि पूरी ऑडियंस ना बहुत बहुत लोग पसंद कर रहे हैं आपके दो घुट को। मैंने एकदम आपका एनर्जी लेवल तो औसम है ना, क्योंकि आप कोई कहेगा जो हम लोग बहुत कम टाइम में वो गाने को किया है, आपने इतने अपने एनर्जी से उस गाने को भर दिया है कि लाजवाब। और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आपको स्वागत कर रही है, और पूरी भोजपुरी नहीं, पूरे भोजपुरी समाज में जितने भी लोग 42 करोड़ जो जनता है, सब लोग आपको प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं यही सोच रही थी, अभी जस्ट साल स्टार्ट ही हुआ है कि मतलब साल के 4th डे में मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव सा फील हो रहा है ये सॉन्ग यहाँ के सुनकर। लोग बड़े बड़े, हमारे भोजपुरी समाज के लोग प्यारे, हर जगह के लोग होते हैं, लेकिन हम लोग बड़े इमोशनल होते हैं, और हमारे यहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं। जिसको प्यार कर देते हैं वो कुछ भी पा सकता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही बात बोली आपने। हाँ, तो और सारेगामा के आप अपने तरफ से भी लोगों से रिक्वेस्ट कर दो कि उनका फोन आया था मुझे बद्री जी का, उन्होंने बोला कि जो अच्छा रील बनाएगा हमारे गाने पे उसको हम लोग अपने आईडी से शेयर करेंगे, और उसके लिए सारेगामा कारवां का गिफ्ट मिलेगा। ओह वाओ, दैट्स नाइस। मैंने जस्ट अभी अपनी रील कंप्लीट करी है, मैं बस बहुत जल्दी वो रील मैं पोस्ट करने वाली हूँ। मैं अभी जस्ट रील मुझे बनाई, टैग करिएगा, मुझे टैग करिएगा, मैं उसको अपने आईडी से भी डालूंगा। तो जितनी भी जनता है भोजपुरी की, मेरी दिल्ली की, बॉम्बे की, साउथ की, तो आप लोगों को उस गाने पे छोटा सा रील बनाना है, दो गुड अगर आप बोलोगे तो मैं आप सभी को एक ट्यूटोरियल वीडियो भी बना के भेज दूंगी सिखाते हाँ, आप हुए बना कि के भेज दीजिए, शेयर करिए, और हम लोग सब लोग आपको फॉलो करेंगे। अब पूरी पक्का। भोजपुरी समाज आपको फॉलो करेगी। अरे डन डन डन, मैं अभी आप लोग, आप सभी के लिए, उस सॉन्ग के लिए मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो भेज दूंगी, तो जिससे आप सब बना के दो घुट को फुल एंजॉय करिए। इट्स अ वेरी पार्टी पेपी सॉन्ग। मैं खुद एक स्टेज परफॉर्मर हूँ, मैंने बोल दिया, मतलब मैंने क्या, मेरी टीम ने बोल दिया जहां भी आप परफॉर्म करोगे तो दो घुट आपकी प्रोफाइल में ऐड हो गया है। चलिए, एक भोजपुरी का भी तड़का अब आपके अपने जीवन में लगना शुरू हो गया। ईश्वर नहीं करे, नहीं हमारी शुभकामना है भोजपुरी, पूरी भोजपुरी जनता के तरफ से। हाँ जी, हाँ, तो हमारी शुभकामना है, और सारेगामा कारवां को भी ढेर सारी शुभकामना, आपकी पूरी टीम को और हमारी पूरी टीम को भी। मैं जितने भी लोग मेहनत किए कम टाइम में, हमारे डांस डायरेक्टर से लेकर कैमरामैन तक, हमारा कोरियोग्राफर से लेकर, मैंने जो भी है, हमारा डायरेक्टर सुधांशु तिवारी से लेकर लकी विश्वकर्मा तक, सबको दिल से थैंक यू, और आपका दिल से थैंक यू, क्योंकि आपने कम टाइम में, बाप रे जो एनर्जी आपने झोंका है उस सॉन्ग में,
मैं तो आपका फैन हो गया, क्योंकि इतनी एनर्जी मैंने अपने कैरियर में बहुत कम देखी है। लोगों के पास है, बट आपने 1 घंटे 2 घंटे में जो काम करके आया, वो मुझे लगता है कि लोग 10 घंटे में ना करें। नहीं नहीं मैं वही कह रही हूँ सारी, जब मुझे पता चला मुझे आपके साथ करना है तो मैंने आपकी पहले सारी वीडियोस देखी, तो मुझे खुद पता चल गया मुझे अपने अंदर कितनी एनर्जी लानी है आपको बीट करने के लिए। बट देखिए, उस पूरे पूरे सॉन्ग में ना मैं आपको एंजॉय कर रहा हूँ। एक अच्छा एक आर्टिस्ट मिलता है ना, और एक अच्छा कलाकार मिलता है ना, तो इंसान अपना कला भूल जाता है, फिर उसको एंजॉय करता है, और मैं पूरे सॉन्ग में आपको एंजॉय किया हूँ। नहीं नहीं मैं वही कह रही थी, मैं अपनी पूरी टीम को बता रही थी ये सॉन्ग हमने जस्ट 3 आवर्स में कंप्लीट किया है, तो आपने मूड इतना अच्छा किया पता ही नहीं चला वो गाना कितनी जल्दी शूट हो गया। हाँ, तो क्योंकि 2 गाने और पहले मैं कर चुका था ना, और 2 गाने करने के बाद फिर वो गाने को करना पड़ा मुझे, तो आपने मेरी सोचा थोड़ी एनर्जी डॉल थोड़ी सी लूज थी, बट कोई नहीं, आप जैसा एनर्जेटिक आदमी मिले तो आदमी कहीं भी अपने आप को फाड़ के रख दे। नहीं पक्का, मैं सच में बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ बद्री जी, विवांशु जी, संजय जी, जो मुझे वहां तक ले आए, आप तक पहुंचाया, भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरा एडमिशन कराया। नहीं, एडमिशन की बात नहीं है, देखिए आप एक अच्छी आर्टिस्ट हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा काम जो भी करता है आदमी, हर हर भाषा में अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी एक पहचान बनेगी, क्योंकि काम से ही काम मिलता है। नहीं तो यहाँ तो बहुत सारे खूबसूरत चेहरे हैं, कहाँ किसी को कोई प्रमोट करता है या प्रमोट करता है। प्रमोट उसी को करता है जिसको काम आता है। अगर आपको काम आएगा तो आपको प्रमोट की जरूरत भी नहीं है, आप अपने चीजों को ऊपर लेके चले जाओगे, और दुनिया के नजर में आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी। तो काम जब तक आपको नहीं आएगा, आप पूरी दुनिया में कुछ भी कर लो कोई मतलब ही नहीं बनता है, आपको काम आता है। इसलिए मुझे भी आप पसंद हो और पूरी भोजपुरी समाज को पसंद हो, तो दिल से थैंक यू, और आपका स्वागत है हमारे भोजपुरी में, कि आप ऐसे ही प्यार करते रहिए लोगों को, और ऐसे ही प्यार लोग आपको देते रहे। मैं अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि नम्रता जी को फॉलो करो आप लोग, इनके इंस्टाग्राम को सब लोग फॉलो करो, और इनको प्यार दो, और जितना आप लोग इनको प्यार दे सकते हो, इनके उज्जवल भविष्य के लिए आप शुभकामना दो, और प्रे करो ईश्वर से कि नम्रता आज ऐसी दिख रही है, कल हम बात करें तो एक हीरोइन से बात करें, एक ऐसे सेलिब्रिटी से करें जिसके लिए पूरी दुनिया पागल हो। नहीं नहीं थैंक यू, मतलब थैंक यू सो मच खेसारी जी, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपने मतलब इतना आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो इन चीजों के लिए, मतलब थैंक यू सो मच दिल से। चलिए, हम बहुत जल्दी काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और बड़े लेवल पे कर रहे हैं। भी ऑडियंस है आपको बहुत जल्दी जल्दी न्यू न्यू सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, तो आई हाँ होप हाँ एंजॉय करोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत जल्दी बहुत सारे सॉन्ग भी करने वाले हैं, और अच्छे अच्छे बेहतर सॉन्ग और फिल्म भी पक्का। पक्का। चलो अपना ख्याल रखो नम्रिता, एंड सबको बहुत अच्छी रील्स बनानी है, हमें टैग करना है, मुझको, खेसारी जी को, सारे का मां पा को, सबको टैग करना है, मैं वेट कर रही हूँ आप सबकी रील्स का, ओके थैंक ऑलरेडी यू। आ चुका है। हाँ तो मैं भी बना देता हूँ इधर से। हाँ बना दीजिए तो गुड ओके मुझे। चलो बाय नम्रिता, थैंक यू सो मच यार, नए साल की ढेर सारी शुभकामना, और जो भी जनता हमें देख रही है, हम दोनों की तरफ से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। यस, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय।